जैसे जल की आवश्यकता तो सबको होती है, और किसी सरोवर के विषय में यदि यह सुनने को मिले कि बड़ा आकर्षक है, उसमें पुष्प भी खिले हुए हैं, तो उसको देखने की इच्छा व्यक्ति में बलवती होती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सरोवर की शोभा देखकर, खिले हुए कमलों को देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्यास लगी होती है और तब वे जल पीना चाहते हैं, और ऐसे भी अनेक व्यक्ति होते हैं जो स्नान के लिए जाते हैं। और स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति जिस उद्देश्य से जाता है उसकी दृष्टि उधर ही जाती है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि श्रामचरित मानस का जो सरोवर है, उस सरोवर में मानो काव्य का जो सौंदर्य है, साहित्य की जो सुंदरता है, वह एक सरोवर में खिले हुए जो कमल है उनकी शोभा के समान। और यदि कोई व्यक्ति नहाना चाहता है तो नहाने का उद्देश्य होता है हमारा शरीर स्वच्छ हो जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने चरित्र को शुद्ध बनाना चाहता है तो श्री राम का जो चरित्र है उसका जल, उनका चरित्र इतना निर्मल है कि उसमें स्नान करने पर व्यक्ति के जीवन में भी शुद्धता और पवित्रता आती। पर ऐसा व्यक्ति जिसको प्यास लगी हो वो स्वच्छता के साथ साथ यह भी चाहता है कि जल जो है शीतल हो और पीने में वो अच्छा लगे, और साथ साथ पचने के लिए भी वो दुष्पाच्य न हो, भारी न हो। तो उन्होंने कहा कि जो कर्मयोगी है उनके लिए श्री राम का जो चरित्र है वो उसके स्वच्छता सामने है, और जो भगवत भक्त है जिनको भावना से तृप्ति मिलती है उसके लिए भगवान के चरित्र में जो भक्ति और प्रेम का उसमें वर्णन है वही मानव जल की मधुरता है, शीतलता है। तो मानो एक और तो यह श्रीरामचरित मानस उसका उद्देश्य है कि मानव का, समाज का चरित्र शुद्ध हो, और दूसरी ओर मानस का दूसरा उद्देश्य है लोगों के जीवन में जो भावना की प्यास है उस भावना के प्यास की तृप्ति हो। और इसके साथ साथ फिर वो एक बात जोड़ देते हैं, उनका जो लोग साहित्य और काव्य का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए भी यह सरोवर आकर्षक है, और जो चरित्र के लिए प्रेरणा पाना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो भक्ति और भावना का आनंद पाना चाहते हैं वो भी उसमें सुमधुरता और सुशीतल पाई। पर उन्होंने एक सूत्र दिया, और वो सूत्र ये है कि जल का एक ऐसा गुण है कि जिस गुण के बिना जल पूरी तरह न तो स्वच्छ रह सकता है और न तो जल के जो गुण है का वो स्थिर रह सकते हैं। उसका तात्पर्य है कि मान लीजिए एक छोटे पात्र में साफ जल हो तो उसमें आप वस्त्र धो लीजिए तो वस्त्र तो स्वच्छ हो जाएगा पर जल गंदा हो जाएगा। केवल सूत्र के रूप में मानस को समझने की एक जो शैली है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं। तो यह गुण क्या है? उनका जल अगर गहरा नहीं होगा, अगाध नहीं होगा, तो उसके इन गुणों में स्थिरता नहीं होगी। और तब उन्होंने अध्यात्म की ओर संकेत करते हुए कहा कि रघुपति महिमा अगुण अबाधा वर्णव सोई बरवारी अगाधा। इसमें सगुण की लीला के साथ साथ जो अगुण तत्व है वही मानो इस जल की गहराई। तो ये तो अपनी अपनी मनोभूमि की और आवश्यकता की बात है कि हम मानस को किस रूप में पढ़ते हैं, सुनते हैं या लेना चाहते हैं।
इस संदर्भ में जो मैंने अभी आपसे कहा पात्रों की जो भूमिका, वैसे व्यवहारिक अर्थों में देखें तो बड़े महत्व की है, लेकिन अंतरंग में इसका जो अवो तत्व है, जो अध्यात्म तत्व है, उसकी गहराई में अगर व्यक्ति प्रवेश करता है तो अनुभव करता है कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो केवल सामाजिक आवश्यकता की ही पूर्ति नहीं करता, अपितु हमारे जीवन में जो तत्व जिज्ञासा है, सत्य की उपलब्धि का जो एक मनुष्य के मन में उसकी आकांक्षा है, उसकी पूर्ति होती। और इसीलिए जिन पात्रों के द्वारा वो जो संकेत मैंने पहले दिन भी किया है और बाद में भी संकेत किया गया कि मनुष्य का जो मूल उद्देश्य है या अंतिम उद्देश्य तो यही है कि मनुष्य के जीवन से जो अविद्या है उसका निराकरण। आप मानस का जब अंतिम छंद पढ़ते हैं तो गोस्वामी जी ने यही सूत्र दिया, उनका सतपंच चौपाई मनोहर जान जे नर उर धरे दारू अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर है। जो मानस के सात पांच चौपाइयों को भी समझ करके हृदय में धारण करता है, उसके जीवन में जो पांच प्रकार की दारुण अविद्याएं हैं, जो संसार के सारे समस्याओं के मूल में हैं, और बिना उनके निराकरण के व्यक्ति पूरी तरह से न तो चरित्रवान हो सकता है और न तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो सकता है और न तो व्यक्ति उस तत्व ज्ञान का अधिकारी बन सकता है। तो उस पृष्ठभूमि में जो चर्चा कल आपके सामने चल रही थी वह थोड़ी जटिल सी थी, पर वह भी समझना परम आवश्यक है। और वह संकेत यही था कि श्री लक्ष्मण जी के द्वारा प्रभु ने मानो सूर्यप्रखा के नाक कान का उच्छेद करके रावण के संहार की भूमिका बना दी। और रावण के संहार के लिए अगर आध्यात्मिक भाषा में कहें तो लोह के विनाश के लिए जो अपेक्षित था का वो उसका जो प्रारंभ होता है का उसमें कार्य श्री लक्ष्मण को ही सौंपा गया। तो ये जो श्री लक्ष्मण के रूप में जिन्हें हम काल तत्व की संज्ञा देते हैं अथवा वो मूर्तिमान वैराग्य है इस रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वो अलग अलग उनकी जो भूमिकाएं हैं और उन भूमिकाओं में व्यक्ति के लिए संकेत संदेश। कल इस संबंध में सूर्यप्रखा और उसके पश्चात प्रसंग सुग्रीव का था, और उसका मूल सूत्र यही कि कुछ व्यक्ति जीवन में ऐसे होते हैं कि सुन करके समझ करके ही वो समाधान पा लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जीवन में कुछ अधिक कष्ट भोगने के बाद तब कहीं जा करके वो बातें समझ में आती है जो सत्संग में सुनते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो जीवन में कितना भी सुने कितना भी प्रहार हो पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप ये इस क्रम पर अगर ध्यान से विचार करें तो भगवान श्री राम बाली के ऊपर एक बाण का प्रहार करते हैं और बाली के हृदय में वह बाण जाकर के लगा, और बाली के हृदय में बाण लगने के पश्चात उसके हृदय में जो अभिमान का दोष आ गया था, बाली अनेक गुणों से युक्त था, बलवान था, योद्धा था, समर्थ था और पौराणिक अर्थों में रावण को हराने वाला था, लेकिन मानो उसके जीवन में इस विजय से एक अभिमान का उदय हुआ, मैं रावण का विजेता हूं, जिस रावण ने सबको परास्त कर दिया मैंने उसको हरा दिया, तो उस पर भगवान के बाण का प्रहार होता है, और वो एक बाण का प्रहार जो है उसके हृदय के अभिमान को नष्ट कर देता है, और अंत में वो भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके कब मुक्ति का अधिकारी बनता है। तो एक और बाली है जिस पर केवल एक बाण का प्रहार होता है और उसमें ही उतने में उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है,
फिर उसके पश्चात दूसरा पात्र जिनकी चर्चा की जा रही थी सुग्रीव है, उन पर बाण का प्रहार करने की बात प्रभु ने कही, पर प्रहार नहीं करना पड़ा। केवल उस वाण की महिमा और वाण के तात्पर्य को हनुमान जी महाराज के मुख से सुन करके वे स्वयं सावधान हो जाते हैं। जब हनुमान जी ने सुग्रीव को यह स्पष्ट संकेत किया कि आपने मित्रता का सही अर्थ नहीं ग्रहण किया और आपका जो कर्तव्य था उसका आपने पालन नहीं किया, तो फिर तुरंत सुग्रीव ने स्वीकार किया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर आदि लीलो ज्ञाना। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे चेतावनी दे दी, मुझे समझा दिया, सचमुच विषय सत्य ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया था। और वो तत्काल जो है फिर हनुमान जी से अनुरोध करते हैं कि आप जो है चारों ओर बंदरों को भेजिए कि वे सीता जी का पता लगावे। और एक वाक्य जोड़ देते हैं श्री सुग्रीव कि वे बंदरों को एक समय की सीमा बता दी जाए, यहीं से काल का वह पक्ष आता है। कोई भी कार्य यदि करना है तो करने के लिए व्यक्ति को अगर समय की सीमा को निर्धारित बिना किए ही करता है तो उसमें आलस्य की संभावना, और सुग्रीव स्वयं इसके प्रमाण थे। भगवान ने उनसे ये कहा था कि तुम राज्य चलाओ अंगद से के साथ मिल करके, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें सीता जी का पता लगाना, पर समय नहीं बताया था। तो उसका परिणाम यह हुआ कि सुग्रीव के द्वारा एक आलस्य का या अपने आप को धोखा देने का प्रयास किया गया। इसलिए सुग्रीव ने यह कहा हनुमान जी से कि आप जो है बंदरों को एक समय बता दीजिए कि उन्हें इतने दिनों में ही सीता जी का पता लगा करके लौटना है। यदि विलंब भी हो जाए तो विलंब हो जाने के बाद और कार्य किए बिना वे लौटेंगे तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। कार्य करके वे अगर विलंब से भी लौटे तो कोई दंड नहीं, पुरस्कार दिया जाएगा। और यदि बिना कार्य किए समय की सीमा में ही लौट आते हैं तो उन्हें दंड और पुरस्कार दोनों से बचाया जाएगा। तो मानो अब सुग्रीव वह व्यक्ति है तो जिसके लिए गोस्वामी जी ने एक सुंदर दृष्टांत दिया कि सुग्रीव का जन्म जो हुआ है वो सूर्य के अंश से हुआ। तो सूर्य प्रकाश पुंज है, लेकिन सूर्य के प्रकाश पुंज होते हुए भी आपने देखा कि जब कभी बादल छा जाते हैं तो बादलों के छा जाने पर सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता। सूर्य बादल सूर्य को नष्ट नहीं कर देता, पर बादल के आवरण के कारण तो वो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को इस दृश्य को दिखलाया और कहा कि ये मनुष्य के जीवन के ज्ञान का एक रूप यह भी है। कबहु दिवस वह निविड़ तम, कबहु को प्रगट पतंग, उपजय बिन से ज्ञान जो पाई कुसंग सुसंग। कुसंग का बादल, कुसंग का वासनाओं की जो वृत्ति है वो कभी कभी व्यक्ति के ज्ञान को आवृत कर देती है, और वह उस व्यक्ति को देख करके जैसे बादल हो तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। तो सुग्रीव के जीवन की गाथा है, और एक आध्यात्मिक और साहित्यिक भाषा है कि उनके ऊपर जो वासना के बादल छा गए हैं का उसका निराकरण करने की भूमिका हनुमान जी की है। और हनुमान जी के नाम को भी गोस्वामी जी ने हनुमान न कह करके यही कहा कि यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा। पवन पुत्र हनुमान जी ने सुग्रीव को सावधान किया। तो उसका अभिप्राय है, आपने देखा भी होगा कि अगर बादल छाए हो और फिर तीव्र वायु का झोंका आ जाए तो बादल छिंडमिल हो जाता है। तो हनुमान जी के द्वारा उनके हृदय, उनके मस्तिष्क, उनके विचारों पर जो एक आवरण छा गया था, बादल छा गया था, वो हनुमान जी के पवन पुत्र के द्वारा विच्छिन्न कर दिया गया।
अब यहीं से ये जिन तीन पात्रों के संबंध में पहले दिन बात कही गई थी, वह तीन पात्र वह है श्री भरत जी, श्री हनुमान जी और श्री लक्ष्मण, और चौथी श्री भगवान शंकर। गोस्वामी जी ने इन चार का नाम गीतावली में दिया, भक्त तो अनेक और बड़े अच्छे भक्त हैं, पर भक्त की परिपूर्णता इन चार के जीवन में चरित्र में दिखाई देती है। और वो चार है जानी हनुमान हव लखन भरत भगत गति। तो जैसा देखते हैं भगवान शंकर श्री राम के चरित्र में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं, हनुमान जी के रूप में वो सम्मिलित है, ऐसा आप मान सकते हैं, है ही ऐसा। अब यहां पर क्रम क्या है, श्री हनुमान जी, श्री लक्ष्मण और श्री भरत, अगर इस पर विचार किया जाए कि इनमें श्रेष्ठ कनिष्ठ कौन है, तो वो श्रेष्ठ कनिष्ठता का वर्णन करना बड़ा कठिन कार्य है। दोनों ही अपने स्थान पर अद्भुत है, अद्वितीय। और इसी क्रम में गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी और हनुमान जी की भूमिका को प्रस्तुत किया। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी एकाग्रता से सुन रहे होंगे कि हनुमान जी के द्वारा यहां सुग्रीव को कथा सुनाई गई, और कथा सुन करके उनमें तमोगुण जो आ गया था वो दूर हो गया। पर वहां प्रभु ने लक्ष्मण जी को यह आदेश देकर के भेजा कि तुम जाकर के सुग्रीव को डर दिखाओ। अब जब लक्ष्मण जी वहां आते हैं, भगवान राम सुग्रीव को राज्य तिलक करने के लिए भी सुग्रीव के नगर में नहीं गए थे, और प्रभु ने यह कहा कि मैं तो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में न जाने और नगर में न जाने की भी प्रतिज्ञा कर चुका हूं, पर हमारा छोटा भाई तो मेरा ही अभिन्न रूप है, वह तुम्हारा राज्य तिलक करेगा। तो मानो जिसने राज्य तिलक किया था उन लक्ष्मण जी को ही प्रभु यह काम सौंपते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्राप्त पद का और काल का सदुपयोग नहीं करता है तो उसको संदेश देना तो बड़ा कर्तव्य है। और उस समय लक्ष्मण जी भी उस नगर में किष्किंधा में आते, उनके हाथ में धनुष बाण है, लगा कि बड़े क्रोध में है। और तब अंगद ने जब यह सुना कि लक्ष्मण जी तो नगर को भी नष्ट कर देंगे ऐसा लग रहा है, तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से सुग्रीव और अंगद में थोड़ी दूरियां है, और इसलिए तुरंत लक्ष्मण अंगद को यह प्रतीत हुआ कि मैं तो जाकर के अपने अलग से मिल लूं और मिल करके बता दूं कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, अब वो सुग्रीव ने किया है तो होगा, मुझे दिन न दिया जाए। तो तुरंत नगर के प्रवेश में ही आकर के लक्ष्मण जी के चरणों में गिर गए और ये कहा कि महाराज नाथ ना किसी नंबर न खोली, महाराज मेरे तो कोई दोष नहीं है, राजा तो सुग्रीव है और उन्हीं की आज्ञा से सारा कार्य होता है, इसलिए आप क्षमा करें। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को अभय, उस समय अंगद को अभय दान दिया, लक्ष्मण अभय दान देती नहीं, लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। और उसके बाद सुग्रीव तक यह समाचार पहुंचा कि लक्ष्मण जी आए हुए, तो श्री राम और श्री लक्ष्मण को साथ में देख करके तो सुग्रीव को भय नहीं लगा, लेकिन लक्ष्मण जी को देख करके कुछ ऐसा लगता है कि बड़े तीव्र स्वभाव के, और कभी यह भी लगने लगता है कि बड़े क्रोधी। और ऐसी स्थिति में सुग्रीव को यह आतंक कि अकेले लक्ष्मण आए हैं, क्रोध में भर करके आए हुए हैं, मेरा तो साहस ही नहीं है कि उनके पास जाऊं। तब उन्होंने एक ही उपाय सोचा, हनुमान जी से कहा कि आप ही इन दोनों को ले आए, आपने ही मित्रता कराई, अब अगर आज वो दंड देने के लिए आए हुए हैं तो हम तो नहीं साहस करते, आप स्वयं और तारा को भी ले लीजिए और जा करके किसी तरह से राजकुमार को शांत कीजिए। और लक्ष्मण जी और हनुमान जी का
अनोखा मिलन हुआ। तय हनुमंत संगलय तारा कर विनती समझाओ कुमारा। और यदि आपको ध्यान में होगा और आप जानते होगी कि प्रभु ने हनुमान जी से कहा था कि तुम लक्ष्मण से मुझे गुणे प्रिय हो, पर इससे हनुमान जी ने ये सचमुच नहीं मान लिया कि मैं उनसे बड़ा या उनसे दूना श्रेष्ठ हूं। एक मुद्दा कहा करते थे बहुत पहले थे कि जिस दिन प्रभु ने ये कह दिया हनुमान जी से कि तुम लक्ष्मण से दूने प्यारे हो, उसी दिन से लक्ष्मण और हनुमान जी के बोलचाल बंद हो गए। तो वक्ता मानो अपने स्वभाव को ही लक्ष्मण जी या हनुमान जी में भी देखने की भूल कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं, वो उनका तात्पर्य था कि कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता है कि जहां लक्ष्मण जी और हनुमान जी बोले हो तो उसका अर्थ ये है कि क्यों बंद बोलना बंद हो गया होगा। तो बोले इसलिए कि प्रभु ने ऐसा कह दिया तो लक्ष्मण को बड़ा लग गया। ऐसा नहीं, श्री लक्ष्मण और हनुमान जी का संबंध तो बड़ा ही अनोखा है। श्री हनुमान जी के हृदय में हनुमान जी के हृदय में लक्ष्मण जी के प्रति अपार श्रद्धा है और लक्ष्मण जी के हृदय में हनुमान जी के प्रति बड़ी ऊंची भावनाएं और उसका दृश्य सामने आया। अब आप इसी की कल्पना कीजिए कि अगर बोल चाल बंद होती या कोई झगड़ा होता तो सुग्रीव उनको क्यों भेजते कि उनको शांत कर दीजिए। जब उन्होंने भेजा तो इसका अर्थ है कि जानते थे कि लक्ष्मण जी को शांत करना वो हमारे लिए संभव नहीं है, पर हनुमान जी उन्हें शांत कर सकते। और तब दो रूप सामने आए और वो अनोखी भाषा है रामायण की कि उन दोनों को ही वैराग्य के अर्थ में भी प्रस्तुत किया गया। लक्ष्मण जी के लिए कहा गया कि लक्ष्मण राम सीता सहित राजत पर्ण कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जन सो दरे शरीर। और हनुमान जी के लिए भी विनय पत्रिका में गोस्वामी जी जो संज्ञा देते हैं वो संज्ञा यही है कि श्री हनुमान जी को अगर उस आध्यात्मिक अर्थों में देखें तो हनुमान जी कौन है, बोले प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तन है। हनुमान जी मूर्तिमान वैराग्य है, लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य है और दोनों सूर्य के साथ जुड़े हुए। सूर्य के अंश से सुग्रीव का जन्म हुआ है, उसके साथ का यह जो सुग्रीव के अंश से जुड़े हुए हैं का उन सुग्रीव के साथ हनुमान जी हैं और जिनका सूर्य वंश में जन्म हुआ है उन प्रभु के साथ श्री लक्ष्मण अनुगमन कर रहे हैं। दोनों के संदर्भ में वैराग्य की भूमिका भी प्रस्तुत की गई और काल का रूप भी बताया गया। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं इसलिए काल की संज्ञा उनमें है और लक्ष्मण जी साक्षात भगवान शेष है इसलिए वो भी काल के एक भिन्न रूप है। तो दोनों के मिलन में एक अनोखा दृश्य था। हनुमान जी को लक्ष्मण जी के सामने जाने में किसी प्रकार का भय नहीं रहा। बाल की पत्नी तारा को ले जाकर के वे प्रणाम करते हैं और गोस्वामी जी ने कहा तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदी प्रभु सियस बखाना। दोनों एक दूसरे के स्वभाव को इतनी गहराई से जानते हैं कि सुग्रीव के जब हनुमान जी गए तो लक्ष्मण जी की प्रशंसा में उन्होंने एक वाक्य नहीं कहा। अभी तो भगवान श्री राम के गुण, भगवान राम की दयालुता, भगवान राम की करुणा, भगवान राम का वात्सल्य, इसका वर्णन किया। क्यों? उन्हें ज्ञात था कि लक्ष्मण जी कभी भी अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते, उनका उद्देश्य भी आत्म प्रशंसा नहीं है। और जैसे दंड का कार्य ध्वज को ऊपर फहराना है, इसी प्रकार से लक्ष्मण जी तो भगवान राम के कीर्ति ध्वज के दंड है। इसलिए तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदी, हनुमान जी लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़े। क्योंकि हनुमान जी की यह मान्यता है कि लक्ष्मण तो भगवान के अंतरंग रूप है और प्रभु ने जब उन्हें मुझे दूना कह दिया तो उसका भी तात्पर्य है कि प्रभु जितना विश्वास जितना प्रेम लक्ष्मण से करते हैं और किसी से नहीं करते। यह विशेष बात निश्चित है कि प्रभु अन्य पात्रों की प्रशंसा करने में बड़े उदार। भरत जी की प्रशंसा करेंगे तो शब्द थोड़े हो जाते हैं,
जब वो बंदरों की तब प्रशंसा करते हैं तो उनके पास तो शब्दों का इतना बड़ा भंडार है कि वो कह देते हैं भरतों तो लोग अधिक प्यारे। और इसी प्रकार से हनुमान जी की भी जब प्रशंसा करते हैं तो हनुमान जी के लिए भी कह देते हैं कि नायन का तोरण में तो हनुमान जी की प्रशंसा में भी प्रभु गदगद हो जाते हैं, भाव विधोर हो जाते हैं। भरत जी की प्रशंसा भी करते हैं बंदरों की और सबको इतना सम्मान देते हैं कि सुग्रीव से भी उन्होंने यही कहा कि तुम तो भरत के समान प्रिय हो। पर जब सबसे कम यह कहना चाहिए कि कहीं भी भगवान राम प्रशंसा करते हुए नहीं दिखाई देते हैं तो है पात्र लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी से प्रभु ने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने तो मेरे लिए बड़ा त्याग किया, तुमने तो तुम्हारा जीवन तो हमारी सेवा में समर्पित है। एक अवसर आया जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा की, पर वो प्रशंसा भी उन्होंने तब की कि जब लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए थे। उसके पहले प्रभु कभी भी लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हुए नहीं दिखाई देते और बड़ा कुछ विचित्र सा लगता कि वो एक दिन चित्रकूट में लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण मैं पिताजी की और तुम्हारे पिताजी की आन और तुम्हारे शपथ लेकर के कहता हूं कि लखन तुम्हारा शपथ पितु आना सुच सुगंध नहीं भरत समाना। लक्ष्मण भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं। भला सोचिए भरत लक्ष्मण भाई है और ऐसे भाई हैं जो उनको उनकी सेवा में सबको छोड़ करके आए हैं और उन्हीं से प्रभु कह रहे हैं कि भरत के समान भाई नहीं हुआ तो अर्थ तो होगा कि लक्ष्मण समान नहीं। अगर इस पंक्ति को प्रमाण मान के कोई ये मान ले कि प्रभु स्वयं श्री मुख से कहते हैं कि भरत के समान भाई नहीं है तो लक्ष्मण वैसे ऊंचे नहीं। या प्रभु ने हनुमान जी से यदि कह दिया कि तुम तो लक्ष्मण से दूने प्रिय हो तो और भी वो हो जाएगा कि शायद हनुमान जी को भी इतना महत्व देते हैं। पर आप विचार करके सोचिए भगवान जब प्रशंसा करते हैं तो दो तरह से करते, या तो कोई प्रशंसनीय है तो करते और उससे भी अधिक ये इतने उदार स्वभाव के हैं कि दूसरों की प्रशंसा करना उनका स्वभाव है। लक्ष्मण जी की प्रशंसा न करने में जितनी ऊंचाई, कितना अभिन्नता का बोध, अभिन्नता के बोध के बिना ऐसा कोई कह नहीं सकता। और उसको दृष्टांत के रूप में वो कहे कि आपको प्यास लगी हो और किसी से आप जल मांगे और आपको जल बर्तन में गिलास में लाकर के पीने के लिए दे दे तो सभ्यता के नाते आप अवश्य कहेंगे धन्यवाद आपने बड़ा कष्ट किया, लेकिन आपको प्यास लगी हो कोई दूसरा ना हो और आपके सामने कुआं हो रस्सी हो और आप अपने हाथ से रस्सी में बाल्टी को बांध करके कुएं में डालें और परिश्रम पूर्वक जल खींचे, पर क्या कभी आपने सोचा कि हाथ को धन्यवाद दे दे कि हाथ तुमने तो बड़ा कष्ट किया? नहीं कहते आप, नहीं कहते। इसका अर्थ नहीं कि हाथ आपको प्रिय नहीं है, इसका अर्थ है कि हाथ आपको अपने से अलग नहीं लगता और अलग नहीं लगता तो क्यों उसकी प्रशंसा करें? तो लक्ष्मण जी तो महान, सभी पात्रों का भगवान महानतम आदर करते हैं और जिनका आदर करते हैं वे स्वयं चरित्र में भी महान है और वो आदर तो ऐसे पात्र का भी करते हैं जो उस योग्य नहीं है महारानी के की। पर ये दोनों तो महानतम पात्र है, पर श्री लक्ष्मण का जो उनका संबंध है वो एक अभिन्नता का संबंध है और उस अभिन्नता के संबंध के नाते ही भगवान राम ने मूर्छा के समय जो कुछ कहा इसका अभिप्राय है आप अपने हाथ को धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, हाथ की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर कहीं आपके हाथ में चोट लग जाए तब आप सब भूल करके हाथ के लिए ही बेचैन हो जाते हैं। तो भगवान राम जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तब पता चलता है कि कितना अधिक उनके बिना प्रभु अभाव का अनुभव करते हैं। और ये कहा कि लक्ष्मण तुम मेरे भाई नहीं हो, जब कहते हैं कि भगवान भरत सम भाई है तो लक्ष्मण तुम मेरे लिए भाई तो नहीं, तुम मेरे लिए सेवक नहीं हो,
और पर्व ने उस समय जो वाक्य कहे वो वाक्य था जथा पंख बिलु खग अति दीना। पक्षी है और पक्षी का अगर पंख ही कट जाए तो पक्षी के जीवन का क्या अर्थ है। तो मेरे लिए तो तुम पक्षी के पंख की तरफ, जथा पंख बिलु खग अति दीना और फणि बिलु मणि बिलु फणि। अगर सर्प के पास से मणि निकाल ली जाए तो सर्प की स्थिति क्या हो जाती है। तुम मेरे लिए पक्षी के पंख के समान हो। मेरे लिए अगर मैं सर्प के समान अपने को कहूं तो तुम मेरे लिए मणि हो। और उसके पश्चात अगला वाक्य ने कहा जथा पंख बिनु खगाति दीना फणि बिनु मणि बिनु फणि करिवर करहीना। हाथी का जैसे अगर उसका सूंड जो है उसको कोई काट दे तो उसकी क्या दिशा होगी। क्या तात्पर्य, मेरे नेत्र तुम हो, मेरे पंख तुम हो, मेरी भुजा तुम हो, तुम्हारे बिना तो हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। पर इन शब्दों में उन्हें जो महान और उस समय जब मूर्छित, जब आप कभी कष्ट में अपने अंग के प्रति होते हैं तब आपकी अपने अंग के प्रति जो व्याकुलता है और जो व्यग्रता है वो आपके मुंह से बिना फूटे नहीं रहते। तो वस्तुतः श्री लक्ष्मण के रूप में यह जो भगवान का काल का दूसरा रूप है और जो भगवान का नाम है वही उनका नाम। और उसका अभिप्राय है कि भगवान के लिए अनंत शब्द का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मण जी भी अनंत है। जल कल जो बात आपके सामने कही गई थी, अगर संसार के कारण श्री राम है तो वही शब्द लक्ष्मण जी के लिए। अगर श्री राम के लिए कहा जाता है कि वो पृथ्वी का भाग उतारने आए हैं तो लक्ष्मण जी के लिए भी वही शब्द है। इसलिए लक्ष्मण जी का स्थान जो है रामायण में अपने आप में अनोखा है और उस अनोखे स्वरूप को श्री भरत और श्री हनुमान जी दोनों ही स्वीकार करते हैं। कहा आपकी दृष्टि में महानतम भाई का आदर्श किस व्यक्ति में प्रतिफलित हुआ, तो ये कहते हैं कि लालन जोग लखन लग लेने भेद भाई असहाय न होने। लक्ष्मण भाई जैसा भाई न तो विश्व के इतिहास में हुआ है और न तो होगा। और हनुमान जी भला सच में जो हनुमान जी के मन में इतना अधिक प्रभु इतना विश्वास करते, इतने अभिन्न है कि उनके सामने ही दूसरे की प्रशंसा करने में उनको संकोच नहीं लगता। और इसका अर्थ ये कितना महानतम हृदय लक्ष्मण का है कि अपने अपने सामने ही यह सुनते हैं कि तुम दोनों प्रिय हो पर उन्हें बुरा नहीं लगा। सबकी तुलना में किसी को हम लक्ष्मण जी की तुलना में श्रेष्ठ बता दे तो कहीं पर लक्ष्मण जी को रंज मात्र प्रश्न होता ही नहीं। ऐसा ही रामायण के प्रत्येक प्रसंग में दिखाई देगा। इसीलिए आप पाते हैं कि जिस समय श्री भरत के आगमन का समाचार चित्रकूट में उन्होंने सुना था और साथ साथ यह भी सुन लिया कि भरत के साथ तो चतुरंगी सेना है तो उनका क्रोध जो दिखाई देता है वो तो इतना प्रखर था कि उन्होंने कह दिया कि अच्छा तो भरत युद्ध करके आए हैं श्री राम से लड़ने के लिए। और तब उन्होंने कहा भरत ने आपको समझने में भूल कर दिया और आज जब एक बार देखेंगे आपके मुख को और उस पर क्रोध की झलक दिखाई देगी। लक्ष्मण जी की बड़ी इच्छा रहती है कि प्रभु श्री राम कभी कभी क्रोध किया करें। क्रोध में कर नहीं पाते, स्वभाव में क्रोध है नहीं और लक्ष्मण जी तो कभी स्पष्ट भी कह देते हैं और कभी तो ऐसा भी है। जब परशुराम जी से संवाद हो रहा था तो लोग लक्ष्मण जी की आलोचना करने लगे और आलोचना करने लगे और जनक जी ने ये जब कह दिया कि नष्ट कर अनुचित भाई भाई इस बालक को रोकना चाहिए अनुचित भाषा का प्रयोग कर रहा, तो प्रभु को यह लगा कि यह तो बड़ा अनुचित होगा कि सभी लोग जो है क्या लक्ष्मण के कार्य को आलोचना की दृष्टि से देख रहे हैं। लक्ष्मण जी की भाषा लोगों को उचित नहीं लग रही है तो आपने क्या किया। वो स्वामी जी ने कहा मैं करेरे राम लक्ष्मण जी से सीधे नहीं कैसे बोलो क्या बोलो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उन्होंने थोड़ा सा नेत्र टेढ़ा किया। अब ध्यान में रखें
कि नेत्र को भी काल काल की संज्ञा अनेक अनेक रूपों में, मैंने अनगिनत रूपों में काल विद्यमान है। तो उसमें नैन दिवाकर कच घन गारा और यह जो भगवान का काल है वो ही उनकी भौहें हैं। तो मानो भगवान ने अपनी भौहों को गहरा करके जब देखा तो वो स्वामी जी ने कहा कि उसको देखते ही नैन तरेरे राम, जब टेढ़ी भौहों को करके देखा तो लक्ष्मण जी चुप हो गए। मानो परशुराम जी को लगा कि इस बालक का कार्य इतना अनुचित था कि सभी लोगों ने आलोचना किया और राजकुमार राम ने भी स्वीकार कर लिया कि बालक हमसे बोल रहा। पर परशुराम जी ने जब देखा लक्ष्मण की ओर कि नैन तरने पर इसको इसके चेहरे पर इसके मुख पर क्या भाव, तो देखा कि लक्ष्मण के होठों पर मंद मंद हंसी। ये तो बड़ी विचित्र बात है, बोलना बंद कर दिया पर नैन तरने से उसको क्या डर तो नहीं लग रहा, प्रसन्न क्यों हो रहा। और उसके पीछे जब भगवान राम ने भाव तरेर करके देखा तो लक्ष्मण जी प्रसन्न क्यों हुए, बोले बड़ा अच्छा किया कि आपने नैन तरेर दिया, लोगों को ज्ञात हो गया कि यदि आपको आता है आपको देख के लगे तो नहीं कि आपको कभी क्रोध आता है। मेहनत करिए, तो क्रोध की आवश्यकता होती है, तो चलिए मेरे ऊपर क्रोध का आपने अभिनय किया तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है। इस समय जिस तरह से परशुराम जी महाराज बोल रहे हैं, जिस भाषा में जिस रूप में आपको समझ रहे हैं, तो आपके द्वारा जब मुझे संकेत किया गया तो बड़ी आपके इस रूप की आवश्यकता है। और अगले क्षण का भ्रम दूर हो गया, लक्ष्मण जी छुपते हो गए पर वहां नहीं होते, तुरंत वहां से चल करके महर्षि विश्वामित्र जहां थे वहां खड़े हो गए, क्योंकि सबने आलोचना लक्ष्मण जी की कर दिया, जनक जी ने भी कर दिया और जनक पुनवासी स्त्री पुरुष तो इतने डर के मारे कांप रहे थे और एक ही वाक्य कह रहे थे कि थर थर कांप रही नारी छोट कुमार खोग बनवारी। देखो तो बड़ा भाई कितना सिद्ध है और ये छोटा भाई कैसा खोटा है, बिना मतलब ऐसी बातें ऐसी भाषा इसके द्वारा कही जा रही है कि इसमें इनको क्रोध आ रहा है और इनका क्रोध तो केवल शब्दों तक नहीं रहता, वो पर से तक चला जाता। लेकिन विश्वामित्र जी एक ऐसे थे कि कोई प्रतिक्रिया परशुराम जी का क्रोध जनक के द्वारा की गई आलोचना कहीं भी वो प्रभावित नहीं। लक्ष्मण जी वहां ही जाके खड़े हो गए, क्यों बोले मुझे समझने वाला तुल्य कोई है नहीं, क्यों मुझे मेरी भूमिका को समझते हैं और यह भी वो निश्चय कर चुके कि बोलना आवश्यक है, पर यदि मैं बोलता हूं तो बड़ा अनुशासन के विरुद्ध है, निकल के देख रहे हैं और मैं बोल जा रहा हूं तो ये तो प्रभु का बड़ा आनंद हो जाएगा। और बिना बोले परशुराम जी महाराज श्री राम के तत्व को समझ नहीं पाएंगे, तो बोलना तो है पर यहां से हट करके गुरु जी के पास से जब मैं बोलूंगा तो हमारे प्रभु तो इतने विनम्र है कि बिल्कुल चुप रहेंगे। पर वो सोचेंगे कि जब भाई गुरु जी के पास है तो कोई अनुचित कार्य हो तो बुझी रोकेंगे, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। और सचमुच उन्होंने वही किया, चले तो गए गुरु समीप गए तुरंत परिहारी बानी नाम लोग वहां जाकर फिर बोलने लगे। और तब परशुराम जी का जो क्रोध था लक्ष्मण से उठ करके श्री राम पर हो गया। पहले मैं समझता था कि तुम बड़े सज्जन हो और ये मेरा खोटा, तुम बड़े खोजा में मैंने कठोर रख, पर मुझे अब समझ में आया कि तुम दोनों भाई मिले हुए हो, तुम नेत्र तरेर करके इसको डांट नहीं रहे थे, संकेत कर रहे थे जो बोलना वहां जाके बोलो, अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूं। फिर ऐसा लक्ष्मण जी शांत हो गए, क्यों उनका जो उद्देश्य था बुरा हो गया। उद्देश्य केवल यही था कि परशुराम जी पहचान तो जाए कि ये किससे बात कर रहे हैं और उस सीमा तक जब तक परशुराम जी को ये लग रहा है कि राम भाई उस बड़े सिद्धन है लक्ष्मण राय खोटा है तो इसको समझ लेने से क्या होने वाला, इसलिए उस सीमा तक वे बात करते जाते हैं कि जहां पर अंत में उन्होंने कहा कि
मैं समझ गया कि तुम दोनों भाइयों में कोई भिन्नता नहीं, और यह तो तत्वता सत्य भी है। उन्होंने भले ही भगवान राम ने यह संकेत नहीं किया था कि वहां जाके बोलो, लेकिन तो भगवान राम और लक्ष्मण अभिन्न है, और इसलिए उन्होंने यही कहा। भगवान ने समझ पाया कि बंधु कहे कक सम्मत तोड़े, तू छल विनय करस कर जोड़े। भाई को संकेत कर दिया है, तुम बोलो, और सुबह जोड़े खड़े हुए। अब मैं इस बालक को तो भूलता हूं, तब मैं तुमसे सीधे कहता हूं कि कर परितोष मोर संग्रामा, युद्ध करो। लक्ष्मण जी बिल्कुल नहीं बोले कि मैं युद्ध करूंगा, समझ गए कि युद्ध नहीं होने वाला है। ये तो शब्द के द्वारा ही केवल जो भ्रम आ गया है वो दूर हो जाएगा, अब मेरी भूमिका समाप्त हो गई। लक्ष्मण जी के समान तो काल के रूप में वे जानते हैं कि उनकी भूमिका क्या है, इतने नियंत्रित है काल के उस रूप में कि आप कल्पना कीजिए कि पूरे पुष्प वाटिका में लक्ष्मण जी एक बार भी नहीं बोले। यहां तो भगवान राम उनसे कुछ कहते ही रहे तो लक्ष्मण मौन है, मानो उनका मौन उनकी मुखरता है। कब है तो समय का पत्र है, कब बोलना चाहिए, कब मौन रहना चाहिए, बोलने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। और लक्ष्मण का उद्देश्य आत्मविज्ञापन नहीं है, उनका उद्देश्य तो प्रभु की महिमा को प्रकाशित करना है। अगर किसी के मन मस्तिष्क में कोई भ्रम हो तो उसका निराकरण करना है। इसलिए जो ही उन्होंने श्री राम से कहा युद्ध करो, परशुराम जी के इस वाक्य के बाद लक्ष्मण जी बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि वे समझ गए कि इस संवाद की परिणति उस रूप में होगी जिस रूप में मैं चाहता था। और अब देखते युद्ध तो नहीं हुआ, अपितु धनुष श्री परशुराम जी से के हाथ से निकल करके श्री राम के पास चला गया, और तब इतने प्रभावित हुए श्री राम से तो कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उस पर आपने ध्यान दिया, सबसे अधिक निंदा है लक्ष्मण जी का, क्योंकि उनको लगा कि आज तक मुझसे किसी ने ऐसी रेखा नहीं किया। लेकिन जब जाते हुए उन्होंने ये कहा कि अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, मैं जानता नहीं था, मुझे भ्रम हो गया था, और इसीलिए अनुचित पहले मैंने कहा कि तुम्हारा छोटा भाई अनुचित बोला, लेकिन अब मैं समझ रहा हूं कि मैंने ही अनुचित वाक्यों का प्रयोग किया, और तब मैं क्षमा तुमसे ही नहीं मांगता हूं। क्षमा क्षमा मंदिर बोल रहा था, आप भी नहीं, आपका छोटा भाई भी कितना क्षमाशील है कि मेरे बार बार धमकी देने पर, बार बार कठोर शब्द कहने के बाद भी अगर वह केवल शब्दों से ही उत्तर देता तो उसका अर्थ है कि तुम्हारी क्षमा की महिमा तो बिना लक्ष्मण के वाणी के समझ में ही नहीं आती। अगर तुम क्षमा जैसे मांग रहे थे वैसी भूमिका लक्ष्मण के द्वारा हो जाती तब तो मुझे भ्रम हो जाता कि सब लोग मुझसे क्षमा मांगते, ये नियम है। लेकिन जब लक्ष्मण की वाणी से मुझे लगने लगा कि ये क्या बात है, इसमें छोटे भाई में तो कहीं पर भय नहीं है, आतंक नहीं है, तब लगा कि अरे वो तो ये चाहता था कि आपके स्वभाव की कोमलता को वे कायरता न समझ रहे। विनम्रता का अर्थ न लेने के राम भी मुझसे डरते, यह जो उद्देश्य था पूरा हो गया, और उसके बाद इतने शांत हो गए क्योंकि, और इसीलिए परशुराम जी जाते समय यह कहना नहीं भूले कि आप ही छुड़ा मंदिर नहीं है, पर यह कहे कि जैसे कोई मंदिर बनाया जाए तो मंदिर की ध्वजा ऊपर फहरा रही होगी, पर मंदिर की नींव भी तो होगी, और नींव तो भीतर होगी और वो तो दिखाई नहीं दे रही होगी। तो मानो संकेत यह था कि आपके क्षमा का मंदिर जो है वो तो लक्ष्मण की तेजस्विता की नींव पर ही खड़ा हुआ, और उसी के द्वारा ज्ञात होता है कि कितने समर्थ होते हुए भी आप कितने विनम्र हैं। इसलिए लक्ष्मण जी से क्षमा मांग करके उन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया, जिन्होंने बार बार उनके वाक्यों का खंडन किया हो, व्यंग किया हो, और वही सभा में उन्होंने श्री राम के मनुष्य लक्ष्मण की स्तुति किया, तो उनका तात्पर्य था कि मैं समझ में पाया था कि इस बालक का उद्देश्य क्या है, और मैं समझ गया कि यह तो केवल तुम्हारा स्वरूप मेरे सामने
उपस्थित करने के लिए ही इसने भूमिका स्वीकार की थी। और उस तरह से हम यह देखते हैं कि उनकी भूमिका तो सर्वत्र हुई। और जब उन्होंने कहा कि श्री भरत का सत्य के साथ मैं सदा से अकेले बन कर दूंगा, तो थर्रा उठी पृथ्वी, देवता घबरा गए। राम रावण की युद्ध की जगह कहीं भरत और लक्ष्मण का युद्ध हो जाए, बड़ा व्यर्थ होगा। लक्ष्मण भी तो सबका विनाश करने में समर्थ है, और तुम आप देखेंगे। उन्होंने लक्ष्मण जी को संकेतिक भाषा में कहा कि महाराज को कही सके प्रताप तुम्हारा, को कही सके को जान ने हारा, पर अनुचित उचित राज कछ समझ करिए भल का सबको। और उसके बाद जब भगवान श्री राम ने स्वयं अपने श्री मुख से भरत लक्ष्मण की प्रशंसा किया, जब उन्होंने ये कहा कि नहीं लक्ष्मण तुम्हारी बात नीति के अनुकूल होते हुए भी भरत के लिए नहीं सही है, भरत में किसी प्रकार से राज्य का मद नहीं हो सकता, तो ये लक्ष्मण जी को नहीं लगा कि उन्होंने मेरी बात काट दिया। भरत प्रसन्न हुए और श्री भरत के जितनी प्रशंसा और जितने आदर पूर्वक वो श्री भरत के चरणों में नमन करते हैं, ये सिद्ध करता है कि लक्ष्मण जी की अपनी कोई महत्वाकांक्षा अपनी महिमा को प्रकट करना है ही नहीं। वो ऐसे काल नहीं है कि जो अपने प्रति लोगों को ये चाहता हो कि लोगों से डरे, वो चाहते हैं अगर किसी को डरना है तो वह तो ईश्वर से ही डरना चाहिए, और अगर कोई भक्ति करना चाहे तो उसे तो हमारे प्रभु से भक्ति करनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण जी की भूमिका रामायण में इतनी विलक्षण है कि अपने आप में अद्वितीय है, और इसीलिए हनुमान जी लक्ष्मण जी को इतना गहराई से पहचानते हैं कि जब वो तारा के साथ जाते हैं तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप साक्षात शेष है, आप अनंत है, आप काल है। उन्होंने यही कहा कि आपके प्रभु जो है वो कितने उदार है, कितने क्षमाशील है। और परिणाम क्या हुआ, हनुमान जी ऐसे कथावाचक और लक्ष्मण जैसा श्रोता, वो तो भूल ही गए कि मुझे डराने के लिए भेजा गया था, या भी नहीं रह गया। वो तो हनुमान जी से सुनने में ही वो सभी के तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु शेष रखाना। और उसके बाद पार्वती बना लिए, और पधारने के बाद गोस्वामी जी ने मानो एक कहा कि बिना बोले भी हनुमान जी ने बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि अगला वाक्य करी विनती मंदिर ले आए और चरण पखारी। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के चरण का जल से प्रक्षालन किया, पर अगला वाक्य बड़े महत्व का, चरण पखारी पलंग बैठाए, लक्ष्मण जी को पलंग पर बैठाया। एक शब्द कोई निरर्थक नहीं होता, पलंग तो सोने की का स्थान है, वो तो कोई बैठने का स्थान नहीं। और फिर लक्ष्मण जैसा महान चरित्र जिन्होंने जो सोते ही नहीं, उसको उन्होंने बैठा दिया पलंग पर। मानो दोनों में जिस मूक भाषा का प्रयोग हुआ, लक्ष्मण जी ने बहुत आनंद का अनुभव किया। लक्ष्मण जी को पलंग पर बैठाया बात दोनों नहीं, पर लक्ष्मण जी अगर पूछे क्या पलंग पर जाकर के मुझे भी सुनाना चाहते हो, तो उनका तात्पर्य था महाराज जिसके पास जो आसन होता है वही तो देता है, तो उस नगर में तो सोने वाले लोग हैं, अगर वो जगने वाले होते तो इतना विलंब क्यों करते हैं सीता जी का पता लगाने। इसलिए जो आसन है महाराज वो तो पलंग ही है, और उद्देश्य क्या है, संकेत यह है कि महाराज सोने वाला भी अगर अपने कमरे में जाए और कहीं सांप दिखाई दे जाए तो कहां नींद लगेगी, वो तो बेचारा घबरा जाएगा। नींद छोड़ करके जब एक मुंह वाले सांप से डर करके लोगों की नींद भाग जाती है, तो जब सहस्त्र शीर्ष भगवान पलंग पर बैठ जाएंगे तब सुबह की नींद कहां रहेंगे। अब नहीं सोएगा, आपको देख करके निश्चित समझ लीजिए कि अब कभी सुबह को नींद नहीं आ रही। आप साक्षात काल के रूप में व्यक्त को सावधान कर देते हैं प्रशांत, और फिर लक्ष्मण जी हनुमान जी निकल जाते हैं। तो लक्ष्मण जी की भूमिका और हनुमान जी का संबंध अनोखा है, और भगवान की ओर ले जाना यह ही उनका उद्देश्य है। और उसके बाद जब वह प्रसन्नता है, तो लक्ष्मण जी की मूर्छा
हनुमान जी का उसे भी ले आना, श्री भरत का मार्ग में मिलना और इस संवाद में जो अनेक रहस्य है उनकी चर्चा अगले दिनों तक की जारी, अगले दिनों से की जाएगी। आज इतना ही, बोलिए श्री।